सबसे पहले खबर धनबाद से, जहां कोला व्यवसायी बादल गौतम पर अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। बीसीसीएल के पूर्व डीटी की विवाहिता पुत्री ने यह मामला दर्ज करवाया है। धनबाद के बैंक मोड़ थाने में मंगलवार रात मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में धनबाद सीजेएम कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज करवाया है। 164 का बादल गौतम पर कोलकाता से पीड़िता को अपहरित कर धनबाद लाने का आरोप है। 11 जुलाई 2020 को वारदात हुई थी। धनबाद से अभिषेक जुड़ चुके हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला है बादल गौतम पर अब अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया क्या है? जी बिल्कुल आसिया, इस मामले में कल ही धनबाद के बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और बीसीसीएल के सेवानिवृत्त डायरेक्टर टेक्निकल की ये विवाहिता पुत्री है जिन्होंने ये मामला दर्ज कराया है और उनका आरोप है कि ये बादल गौतम जो है उन्हें कोलकाता से बाला फुसला के पहले तो लाया और बाद में क्योंकि इसके साथ इनके एक दोस्त भी हैं उन दोनों को वो दिल्ली ले गया और उसके बाद विभिन्न शहरों में जगह जगह ठिकाना बदला और बताया जाए कि बाद में इसने कहा कि आपको बंधक बना लिया गया है, अपराधियों के द्वारा जो है उसको बंधक बना लिया गया है और आरोपी जो है बादल गौतम पर आरोप लगाया गया कि 25 लाख रुपए की फिरौती की उसने घर वालों को फोन किया और 8 लाख रुपए दिए गए उसके बाद उसे मुक्त किया गया है और उसने ये भी आरोप लगाया कि विभिन्न जगहों पे दिल्ली में कानपुर में अलग अलग शहरों में जहां जहां पे उसे रखा गया था अलग अलग होटलों में उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो अब चूंकि पीड़िता का जो बयान है वो काफी गंभीर श्रेणी का है और बादल गौतम कोयला व्यवसायी है तो उनके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही पीड़िता जो है अपने दोस्त के साथ धनबाद कोर्ट पहुंची है जहां पे उनका सीजीएम कोर्ट में 164 का बयान होगा। अब देखने वाली बात होगी थोड़ी देर में 164 का बयान दर्ज होना है तो 164 के बयान के बाद पता चल पाएगा कि वो किन पर आरोप लगाती हैं, क्या पूरे मामले की तफसीस बताती हैं, कैसे ये पूरा उनके साथ हादसा हुआ, कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया और इस पूरे प्रकरण में उनके साथ कौन कौन लोग जो है शामिल रहे हैं ये पूरी मामले का खुलासा होगा। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के उनके इस बयान का और बयान के बाद चूंकि काफी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ मौजूद है, कल ही उन पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है तो बयान के बाद बहुत सारी चीजें साफ होगी कि इसमें कौन कौन लोग हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि बादल गौतम जिस पर आरोप है वह जो शख्स है उसकी भी जो शख्सियत है वो यही है कि वो कई बड़े लोगों से अपनी संबंध रखे हुए है। उसने आज दिल्ली से मुझे भी फोन करके बताया कि वो कहीं फरार नहीं है, वो पुलिस के सामने आकर अपनी पक्ष रखेगा और उसने भी इन लोगों के खिलाफ में पहले से डीजीपी और अन्य पदाधिकारियों को शिकायत भेजा है उस मामले पर। उसने भी कहा कि हम जांच की मांग कर रहे हैं तो अब देखने वाली बात है कि दोनों तरफ से जो पक्ष रखे गए हैं लेकिन फिलहाल ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है और अब देखने वाली बात होगी कोर्ट इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल पुलिस के नजर में बादल गौतम आरोपी है और अब 164 के बयान के बाद जो है देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या रूप लेता है। जी शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।